संजय बंडी जी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारी बहन यहां पर उपस्थित चंद्रशेखर जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, चुनाव का समय है। पहले दिन से ही जनता ने केसीआर की तानाशाही, उसके भ्रष्टाचार, उसके परिवारवाद और उसके अहंकार के खिलाफ वोट करने का मन बना रखा है। मुनुगोडू की जनता पिछले 8 वर्षों का हिसाब मांग रही है कि केसीआर साहेब वो डिग्री कॉलेज कहां है, वो डबल बेडरूम कहां है, केसीआर साहेब यहां के गरीब दलित पिछड़े विद्यार्थी सरकारी नौकर सब त्राहीमाम 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 कर रहे हैं। तेलंगाना के किसी भी कोने में चले जाइए, जनता त्राहीमाम त्राहीमाम कर रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि कब समय आए और बाय बाय टाटा केसीआर कह के केसीआर सरकार से मुक्ति मिले। मुनुगुड़ का चुनाव एक ट्रेलर है और मुनुगुड़ की जनता को भी मालूम है कि इस चुनाव के माध्यम से वो केसीआर के अहंकार के खिलाफ, केसीआर की तानाशाही के खिलाफ, केसीआर के भ्रष्टाचार के खिलाफ, केसीआर के परिवारवाद के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। एक तरफ बंगारू तेलंगाना का सपना लेकर, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर बंडी संजय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजगोपाल रेड्डी यहां खड़े हैं, जिनका सपना है मोदी जी का सपना डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का सपना बंगारू तेलंगाना, और दूसरी तरफ केसीआर की लीडरशिप में एक परिवार का कुटुंब यहां बैठा है और वो कुटुंब का कैंडिडेट प्रभाकर रेड्डी है। प्रभाकर रेड्डी जी का किरदार, उनका चरित्र, उनका व्यवहार जनता जानती। हालात ये हैं, ना तो केसीआर साहिब, ना केटीआर साहिब, ना कविता, ना हरीश बाबू, कोई भी कैंडिडेट को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। ऐसा हीरा मुनुगुड़ू में टीआरएस ने दिया है कि जिस कैंडिडेट को आज भी नेता अपने साथ लेकर चलने पर शर्म महसूस कर रहे हैं कि प्रभाकर रेड्डी के साथ हम चलेंगे तो जनता हमारे बारे में क्या कहेगी। कई गांवों में घटनाएं हुई, लोगों ने अपने घरों के गेट बंद कर लिए, महिलाएं पीछे चली गई कि ये कैसा उम्मीदवार केसीआर साहब ने दिया। मित्रों, मेरी आपसे विनती है, केसीआर साहब परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तानाशाही, अहंकार के तो अग्रदूत थे ही, अब मेरे को केसीआर साहब की एक नई प्रतिभा पता लगी। वो फिल्मी पटकथा भी लिख सकते हैं, फिल्मी स्टोरीज भी लिख सकते हैं। जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों 3 विधायक खरीदने का पटकथा लिखी है, वो पटकथा भी फिल्मी है और नकली है, और किरदार शामिल किए गए किरदार नकली भी है, फिल्मी भी है और दागदार भी है।
जिनके ऊपर कर्नाटका में ड्रग केस रजिस्टर्ड हो, जो लोग वहां से ही ड्रग पार्टियां करते आए हों, भ्रष्टाचार के पर्चे रजिस्टर्ड हों, जिनके ऊपर नकली बीए का वोट बनाकर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने का अपराध रजिस्टर्ड हो, जो पेशेवाराना अपराध करने की आदि हो, वो चांद पर थूक रहे हैं? चांद पर थूक रहे हैं आप? केसीआर साहब, आपने पटकथा तो ठीक लिखी, फिल्मी पटकथा तो आपने लिख ली, किरदार भी लिख लिए, किरदार फिट भी कर दिए, लेकिन जनता जानती है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ केसीआर साहब ने फैलाया, और आज अदालतों में, जनता की अदालत में, जनता के घरों में उसकी निंदा हो रही है। केसीआर साहब, कहीं अपनी तरफ जान के देखिएगा, पिछले 8 वर्षों में आपने तेलंगाना की धरती पर लोकतंत्र का बार बार कत्ल किया है। 36 विधायक लगभग जो कांग्रेस की टिकट पर जीत के आए, टीडीपी की टिकट पर जीत के आए, आज आपके साथ विधानसभा में बैठे हैं। जो कल तक आपके साथ था वो तो आपको छोड़ रहा है, जो आपके कल तक सामने था वो किस लालच में आपके पास आया है? जनता जानना चाहती है, ये अटैची अटैची का खेल, ये अटैची अटैची का खेल जो आपने फिल्मी पटकथा में लिखा है, क्या खेल आप खेलते रहे? 36 विधायक, और पॉलिटिक्स का अगर किसी को एबीसी भी आता हो तो वो कहेगा जिस सरकार के पास पूर्ण बहुमत है उसके 3 विधायक क्यों कोई खरीदेगा? कौन खरीद रहा है? आज तक आप तथ्य नहीं दे सके, इसलिए मुनू गोडू का चुनाव नैतिक रूप से वो हार चुके हैं, जनता उन्हें धुरकरार रही है, और जिस दिन इसका परिणाम आएगा आपके सामने होगा कि केसीआर साहिब ये सीट भारी मतों से हारेंगे। अपनी हार को देखते हुए केसीआर साहिब ने अपना सीएम और सचिवालय, सभी मंत्री यहां बिठा दिए, हड़कंप मचा है, डांटा जा रहा है विधायकों को, खरीदो, पैसे से इस चुनाव को खरीदो। मैं केसीआर साहिब को कहना चाहता हूं, सोने की लंका थी रावण की, सोने की लंका, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती था, लेकिन तानाशाही थी, अहंकार था, वो सोने की लंका भी नहीं रही। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर ना दिया ना बाती, वो दिया बाती देने वाला नहीं रहा। इसलिए जिस धन के बल पर आप तेलंगाना की जनता को खरीदना चाह रहे हैं, मुनुगुड़ की जनता को खरीदना चाह रहे हैं, ये धन काम नहीं आएगा। ये जनता बड़ी खुददार जनता है, ये जनता पिछले 8 वर्षों से आपकी तानाशाही, आपके अहंकार से बदला लेना चाहती है, और निश्चित रूप से जितनी जोर से आप रेत को पकड़ रहे हैं, ये सत्ता की रेत उतनी ही जोर से आपके हाथ से निकल रही है, और निश्चित चुनाव का परिणाम राजगोपाल रेड्डी के हक में आएगा, और केसीआर साहिब और केसीआर साहिब के गुर्गे यहां से अपने अहंकार को हरा कर जाएंगे, और प्रभाकर रेड्डी भारी मतों से हारेंगे। मेरे को इतना ही कहना है। कुछ आपको पूछना है तो पूछिए। हम तो भैया यहां सत्ता में नहीं थे, चार्जशीट तो पेश करने से पहले केसीआर साहिब को अपने 8 वर्षों पर व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए,
उन्हें व्हाइट पेपर जारी कर बताना चाहिए कि दलित बंधु की कितनी स्कीम यहां पर बांटी गई, कितने बेडरूम बांटे गए, चावल पर उतने उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला, बंगारू तेलंगाना बनाने के सपने को कैसे चकनाचूर किया। मैं आपके माध्यम से केसीआर साहब से कहता हूं, केसीआर साहब व्हाइट पेपर जारी करिए और आपने 8 वर्षों का हिसाब जनता के सामने रखिए। धन बल से नहीं, रिश्वत तानाशाही से नहीं, तेलंगाना की जनता को वोट लेना है तो बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए 4 कदम चलिए तो सही। केसीआर साहब फार्म हाउस से पॉलिटिक्स चलाना, एयर कंडीशन कमरे से नहीं निकलना, ये अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता, तेलंगाना की जनता आपका असली चेहरा देख चुकी, समझ चुकी। कोई और प्रश्न है तो बताइए। दिल्ली से एक स्वामी जी इधर आगे एमएलए के अच्छे सर है, बोलते थे यार सवाल आरंभ कर, आप क्या कहते हैं? मैंने तो कहा भाई साहब कि वो फिल्मी पटकथा है और झूठी पटकथा है, उसके किरदार भी झूठे हैं और किरदार भी दागदार हैं, जिनकी हिस्ट्री इस तरह के क्रिमिनल झूठ फ्रेब पर बनी हो, ब्लैकमेलर हो, कर्नाटका में जिन पे ड्रग के पर्चे हों, जो झूठे केस झूठे वोट डालते हों, वो क्या चांद पर थूकेंगे? चांद पर थूकना है तो पहले सच्चाई पर खड़ा होना होगा। संजय बंडी जी गए कल भगवान के मंदिर में, अपने पे पानी लगाकर वेट होकर वहां जाकर शपथ ली, अगर केसीआर साहब सच्चे हैं तो आए, सच्चे हैं तो आए, वहां खड़े होकर उसी जगह पर भगवान के सामने शपथ लें। सच का बोलबाला, झूठ का मुंह काला। देखिए, भगवान का घर से ऊपर कोई नहीं, हम गए हैं आए ना, अगर सच है तो वहां खड़े होकर बोलें।